हे गाइस, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल गार्डनिंग ट्यूर्स। कैसे हैं आप सब गाइस? आज मैं आपको अपने कुछ प्लांट्स दिखाती हूं जो मैंने अभी हफ्ते दो हफ्ते पहले ही रिपोर्ट करे थे, और आप उनकी ग्रोथ देख सकते हो कि कितनी अच्छी हुई है। इनकी ग्रोथ का क्या कारण है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी गाइस। आप हमारी पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ उस टाइम कितनी थी जब हमने इनकी वीडियो डाली थी, और अब आप हफ्ते या दो हफ्ते के बाद इनकी ग्रोथ देख सकते हो। ये है हमारा स्वीट पोटैटो वाइन, आप देख सकते हैं गाइस इसकी ग्रोथ। शायद अभी इसको दो हफ्ते ही हुए होंगे और आप इसकी ग्रोथ देखें गाइस। ये देखें इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है गाइस, कि मैं खुद हैरान हूँ कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं या इतना हेल्दी है हमारे प्लांट। सिर्फ़ हमारे प्यार के कारण और जो इनमें फर्टिलाइज़र और मिट्टी डाली जाती है उसका खास ख्याल रखा जाता है, पूरा पोषण इन्हें दिया जाता है, तभी ये इतनी अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा प्लांट था, ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं था, और आप अब देख लीजिए ग्रोथ। और गाइस दूसरा प्लांट है हमारा तुलसी जी का, आप देख सकते हैं इसकी भी वीडियो हमने डाली हुई है। अभी इसको शायद एक हफ्ता ही हुआ है, और हमने जो इसमें सीड्स लगाए थे तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर जो सारे सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं। आपको पूरी डिटेल दी जाएगी गाइस कि प्लांट किस दिन लगा था, तो उसकी जर्मिनेशन कैसे हुई है और कितने दिन में उसने ग्रोथ किया है। ये देखिए, इसको एक हफ्ता ही हुआ है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, हफ्ता दस दिन से ज़्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीड्स सभी ग्रो कर चुके हैं। ये है हमारी बर्बरी तुलसी, जिसके गुणों के बारे में जितनी बात करी जाए शायद उतनी ही कम होगी हमारे लिए। और गाइस ये हमारी नॉर्मल तुलसी जो हमारी श्यामा तुलसी जी हैं, ये वो हैं, आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी है, कितनी हैवी है। ये देखिए, हमारी सभी जितनी भी हमारे घर में तुलसी महारानी जी हैं उन सभी की ग्रोथ और जो हेल्दी हैं बहुत ही अच्छी हैं, आप सभी देख सकते हो। क्या है गाइस, सभी प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, टाइम टाइम पे फर्टिलाइज़र दिया जाता है इनकी ज़रूरत के हिसाब से, कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो हम बिल्कुल इनका खास ख्याल रखते हैं, तभी ये इतना अच्छे से हमारे साथ बने हुए हैं, इतने इतने साल से हमारे प्लांट हैं। और गाइस आप ये देख सकते हैं, ये है स्नेक प्लांट, इसको भी रिपोर्ट करे कुछ दिन ही हुए हैं। ये तो मैंने खैर बड़ा ही रिपोर्ट करा था, लेकिन जो आप इसके बगल में देख सकते हो, ये देखिए, ये अभी इसकी नई पत्तियां आई हैं, बिल्कुल जरा सा था ये जब मैंने इसको रिपोर्ट करा था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की। ये नहीं है गाइस कि हाँ हमने प्लांट लगा दिया और बस उसकी ग्रोथ पे हमने नज़र नहीं रखी, हम प्रॉपर सारा ख्याल रखते हैं, कितने दिन में प्लांट ग्रोथ कर रहा है या क्या चाहिए प्लांट्स को, ये सब हमारी मिट्टी फर्टिलाइज़र जो हमारा प्यार इन्हें मिलता है, ये सिर्फ उसी वजह से इतना तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और ये भी स्वीट पोटैटो वाइन ही है जो मैंने कल ही शिफ्ट की है।
खूबसूरत लगती है ये वाइन। मैंने पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल रेडी करा हुआ है, जिस जिस तरीके से मुझे इसको फैलाना है देख सकते हैं। और गाइज मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो रजनीगंधा के प्लांट्स हैं उन पे काफ़ी लेट फ्लावर आता है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा प्लांट है ये देखिए, और आप देख सकते हैं कि इस पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, होने वाली है। जब भी इस पे फ्लावर स्टार्ट होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। पहली शुरुआत है तो वही मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। अभी तो बिल्कुल छोटा सा ही प्लांट है, ज़्यादा बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, छोटा सा ही है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ अपने गार्डन में। ये मैंने लगाया हुआ है सहजन का प्लांट, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि इसकी जो स्टेम्स हैं वो बढ़ती जा रही है। तो ऊपर जो ग्रीन नेट लगी हुई है इनको गर्मी से बचाने के लिए, अब इसको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। दो प्लांट मैंने लगाए हुए हैं सहजन के और बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग करी थी गाइस, और आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी स्टेम है इसकी। बहुत ही हेल्दी प्लांट है, और एक ये ग्रो बैग में लगा हुआ है, ये देखिए। और ये है हमारा दूसरा प्लांट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी सहजन का ही है। ये देखिए, ये भी सहजन का ही लगा हुआ है। इसमें भी इसकी भी हमने हार्ड प्रूनिंग करी थी, यहाँ से आप देख सकते हो। ये देखिए, इसकी हार्ड प्रूनिंग करी थी तभी आप ये देख सकते हैं, नई नई स्टेम्स आ चुकी हैं, और अब इस पे शायद फ्लावरिंग भी स्टार्ट होने वाली है। और गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमने एयर लेयरिंग करी थी कुछ टाइम पहले, तो उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। आप देख सकते हो गाइस, जो हमने एयर लेयरिंग करी थी, वीडियो डाला था इसका भी, तो आप देख सकते हो कि जो इसके रूट्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए, आप देख सकते होंगे, हो सकता है पूरा अच्छे तरीके से आपको नहीं दिखाई दे रहा हो गाइस, लेकिन ये जो इसके रूट्स हैं वो बनने लगे हैं अंदर। कुछ दिन में इसे निकालेंगे तो आपसे शेयर ज़रूर करी जाएगी वीडियो। इसका भी वीडियो डाला हुआ है हमने, एयर लेयरिंग कैसे करते हैं और कितने दिन बाद ये इसके रूट्स निकल आते हैं, तो आप सब चेक कर सकते हो। और आपके सामने है गाइस, इसकी जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये एयर लेयरिंग हमने अपने कड़ी पत्ता पे करी थी। आप हमारे कड़ी पत्ता का प्लांट देख सकते हो कि कितना अच्छा है, कितना हेल्दी है ये भी। अभी सिर्फ ये 1.5 साल का प्लांट ही है हमारा, और गाइस ये है हमारी हल्दी, जिसको कि हम अभी लगाने वाले हैं, तो थोड़ा वैसे रखी हुई है थोड़े टाइम के लिए, इसको भी हम लगाएंगे।
क्योंकि अगर दूध में डाल के हल्दी आपको पीनी है तो बाहर से पता नहीं कैसी मिलती है कैसी नहीं मिलती है, इसलिए हम घर पे ही हल्दी को उगाते हैं, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। कुछ कुछ इसके भी रूट्स निकलने लगे हैं, ये देखिए, तो ये भी लगने को रेडी हो चुकी है, इसे भी लगाएंगे हम। और गाइस आपसे एक वीडियो शेयर करी थी जिस टाइम हमने चमेली की हार्ड प्रूनिंग की थी, इसमें हमने फर्टिलाइज़र डाला था, कौन सा फर्टिलाइज़र डाला था उसकी वीडियो हमने आपसे शेयर करी थी। तो उसी दौरान मैंने कटिंग की, इसकी जो है कलम लगाई थी चमेली की, और मैं आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं कटिंग का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। ये है वो कटिंग, आप देख सकते हो, इसकी भी वीडियो आप चेक कर सकते हो। उसको भी कम से कम हो गए होंगे 15 दिन के करीब हो चुके होंगे गाइस, मुझे याद नहीं रहता है कि मैंने कब इसकी वीडियो डाली है, 10-15 दिन के दौरान ही वीडियो डाली है, इतना ज़रूर मुझे मालूम है, आप चेक कर लेना। अब आप देख सकते हो चमेली की कलम भी कितनी अच्छी हुई है, ये देखिए। और गाइज़ मैं आपको बता रही थी कि जो चमेली की कलम है वो बिना किसी रूटिंग हार्मोन के भी बड़ी ही आसानी से ग्रो कर जाती है, अगर आप इसको ऐसे भी काट के लगा देंगे तो भी आसानी से ग्रो करेगी। और ये हमने कुछ स्नेक प्लांट की जो स्टेम है, पत्तियां हैं, वो लगाई हुई हैं, तो अभी हम इसको चेक नहीं करेंगे कि इसकी ग्रोथ, इसने रूट्स निकाले हैं या नहीं निकाले हैं, तो अभी हम इसको नहीं चेक करेंगे, हम इसको कुछ दिन बाद ही चेक करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम हुआ है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-2.5 महीने आराम से ले लेता है, तो हम इसको बाद में चेक करेंगे। और गाइज ये है हमारा जेड प्लांट का बोनजाई जो हमने बनाया था, इसकी भी वीडियो शेयर करी गई है, आप देख सकते हैं कि इस पे भी नई नई जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी हैं। आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी अभी ही बनाया था हमने कुछ टाइम पहले, इसकी भी जो नई नई पत्तियां हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। गाइज अगर आपके प्लांट पे एक भी नई पत्ती आती है तो मन बहुत खुश हो जाता है। हमने सारी वीडियो जो भी हमने बनाया है बोनजाई या कुछ भी प्लांट्स के बारे में, 1 महीने से ही अभी हमारा चैनल बना है तो हमने सारी वीडियो 1 महीने से ही अपलोड करी है, तो आप देख सकते हैं जाके वीडियो गाइस। कई पूछते हैं कि आपने रूट्स निकाल दिए प्लांट्स के, सभी ग्रोथ होगी या नहीं होगी, तो गाइज़ हमें पता होता है कि किसकी रूट कितनी काटनी है, कौन सा प्लांट रूट काट के हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता है, इसकी जानकारी हम पहले से ही रखते हैं, तभी हम प्लांट्स के साथ कुछ भी करते हैं। अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी कि प्लांट हमारा मरने का ख़तरा भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, एक प्लांट को पालना कितना मुश्किल है आप सब लोग जानते हैं, तो हम इतने बड़े प्लांट को अपने ऐसे ही ख़राब नहीं करेंगे और आपको ऐसे ही नहीं बता देंगे कि आप इसके रूट्स काट दीजिए तो ये आसानी से हो जाएगा। अगर विश्वास है, किया है पहले, पता है हमें, तभी हम वीडियो डालते हैं, वरना हमारा वीडियो डालने का ऐसे कोई मतलब नहीं बनता बिल्कुल भी, क्योंकि प्लांट्स को पालना कोई एक दिन का काम नहीं है गाइज, बहुत टाइम लगता है, हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं प्लांट्स के साथ, तो जो भी बताते हैं पूरा श्योरिटी के साथ और पूरा एक्सपेरिमेंट करके ही आप तक वीडियो आती है, ऐसे आप तक वीडियो बिल्कुल भी, कोई भी वीडियो हमारी ऐसे नहीं आती है। तो इसकी भी रूट्स मैंने बहुत सारी ही काटी थी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ।
और गाइस ये है हमारा परिजात का प्लांट, इसे भी हमने कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट किया है और आप इसकी भी लीफ देख सकते हो, ये भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये देखिए प्लांट मरा नहीं है, इसकी भी बहुत सारी रूट काटी गई थी, ये नहीं है कि मैंने कम रूट काटी थी, इसकी बहुत सारी रूट्स इसकी हमने निकाली थी। तो आप फिर भी देख सकते हैं प्लांट आपके सामने है, अच्छे से चल रहा है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, कम नहीं है ग्रोथ। अगर आपके प्लांट पे नई नई लीव्स आ गई हैं गाइस, तो इसका मतलब ये है कि आपके प्लांट को कुछ नहीं हुआ है। और हम आपको सच बताते हैं कि जिस प्लांट की रूट काटनी चाहिए हम उसी की रूट काटते हैं, जिसकी हमें लगता है कि नहीं इसकी सही नहीं है काटना, तो हम बिल्कुल भी उस प्लांट पे रिस्क नहीं उठाते। और ये देखिए मेरा एक प्लांट है जो बिल्कुल ही रूट बोंड हो चुकी थी, तो मैंने उसी को ही रिपोर्ट किया है एक दो दिन पहले ही, वीडियो डाली जाएगी उसकी भी, शेयर करूंगी मैं आपसे। और एक ये बोनजाई बनने जा रहा है गाइस, और गाइस ये हमने लगाया है शतावरी का जो बल्ब होता है वो लगाया था, ये भी हो चुका है, एक ये लगाया है और एक ये लगाया है। ये देखिए शतावरी का जो प्लांट होता है गाइस बेल टाइप होता है, बहुत ही अनगिनत फायदे हैं इसके। जब ये बड़ा होगा, जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो आपको इसकी खूबियां ज़रूर बताएंगे। ये देखिए बड़ी जल्दी से ग्रोथ हो जाता है, अगर आप इसके एक छोटी सी ट्यूब भी लगा देंगे तो वो भी बड़ी जल्दी ही बड़ी तेज़ी से ग्रोथ होगी, लेकिन आपको मिट्टी हल्की रखनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि मिट्टी कितनी हल्की है। ये वो प्लांट है गाइस जो मैंने तैयार करे हुए हैं, अभी ये तैयार नहीं होंगे। और ये कुछ मैंने दोबारा से जो जेड प्लांट है वो रेडी करा हुआ है। ये सारे मैंने अभी गाइस लगाए हैं, इसकी कुछ ब्रांचेस काट काट के मैंने इसमें लगा दी है ताकि ये अच्छे से हो जाए, और बाद में हम इसका यूज़ कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। और गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा अभी कम से कम 4-5 महीने पहले ही मैंने एक छोटी सी स्टेम लगाई थी जेड प्लांट की, और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो गाइस। प्लांट पे बिल्कुल भी आप ज़रा सी कमी नहीं बता सकते हो कि हाँ इस प्लांट में ज़रा भी कमी है, बिल्कुल हेल्दी भरा हुआ प्लांट है। यहाँ तक कि आप इसको ज़रा सा हिला नहीं सकते, कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि इसमें ज़रा भी जगह खाली होगा इस प्लांट में। ये देखिए कितना हेल्दी है ये। वैसे तो जेड प्लांट जितने भी हैं सभी हेल्दी हैं, सभी प्लांट हेल्दी हैं। ये देखिए कटिंग से ही काट के लगाया था, और आप इसकी ग्रोथ देख लें। इसमें जरा भी कहीं भी जगह नहीं बची है। और ये भी गाइस छोटी सी एक कटिंग से ही लगाए गए हैं प्लांट। चलिए गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी बेहतर जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।